निरासुव यद्भद्रं तन्यासु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तदपदम पदम दर्शितम तस्मय श्री गुर नम अपनी बंधुओं भाई बहनों सुन के तो अजीब लग रहा होगा कि भाग्य कैसे बदले क्या भाग्य भी बदला जा सकता है कई लोग महात्मा सुनाने आ रहे हैं तो उनके मन में ये भी प्रश्न होगा कि शायद कुंडली ज्योतिष रेखा कुछ ऐसी बात करेंगे शायद भाग्य बदलने के लिए वास्तव में जब हम लोग सुनते हैं कि भाग्यम फलती सर्वदा न च विद्या न पौरुष भाग्य ही हमेशा फलित होता है विद्या और पुरुषार्थ का कोई रोल नहीं उसकी कोई भूमिका नहीं ऐसा कहा जाता है क्या सचमुच भाग्य ही फलित होता है पुरुषार्थ की कोई भूमिका नहीं होती वास्तव में भाग्य ही फलित होता है जो भाग्य में लिखा है वही होता है अगर ऐसा न होता यहां ये भी समझ लें कि हम जिस फिलॉसफी में विश्वास करते हैं हिंदू फिलॉसफी में उसकी मान्यता है कि पूर्व जन्म भी काम करता है पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म भी हमारे साथ आते हैं विषय को हम इसलिए अभी क्लियर करना चाहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कोई अमीर घर में पैदा हो जाता है कोई गरीब घर में पैदा हो जाता है कोई सुविधा संपन्न बाल्यकाल से ही हो जाता है कोई दरिद्र के घर में कोई अंबानी के घर में उसने तो कोई अभी पुरुषार्थ नहीं किया कोई स्वस्थ और सुंदर पैदा होता है और कोई बीमार अपाहिज पैदा हो जाता है यहां तक अलग बात है कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आपको दरिद्रता मिल गई या संपन्नता मिल गई लेकिन यहां आने के बाद जो भाग्य है क्या उस भाग्य को बदला जा सकता है या भाग्य को हम भोगने के लिए बाधित हैं रामचरितमानस को अगर ध्यान देंगे आप तो पार्वती जी के भाग्य की चर्चा नारद जी ने किया है तो हिमाचल जो उनके पिता है वो कहते हैं कि कोई उपाय करें किसी भी प्रकार इस बिटिया का भाग्य बदल दीजिए तो नारद मुनि ने कहा कह मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा ललाट धनुज नर नाग मुनि को न जो भाग्य में लिखा है न देवता न मुनि न दानव कोई मिटा नहीं सकता तो क्या भाग्य ही सब कुछ है भाग्य के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं कि बदला जा सके कुछ तो अगले लाइन में कहते हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी भवियो मेट सक ही त्रिपुरारी यदि आपकी कन्या तपस्या करे तो भाग्य भगवान बदल सकते हैं तो तपस्या क्या है क्या है तपस्या जिसे करने से भाग्य भी बदल जाता है लोक मान्यता तो यह है हमने देखा भी आपने भी देखा है कि कोई एक पैर पे खड़ा रहता है कोई मौन रहता है कोई भूखे रहता है कोई सड़क पे रहता है एकांत में रहता है हम बाहरी दृष्टि से मान लेते हैं कि यह तपस्या है खाना नहीं खाना तपस्या है एक पैर पे खड़े रहना तपस्या है घर छोड़ के जंगल में चले जाना तपस्या है कठिन जीवन जीना तपस्या है क्या वास्तव में यही तपस्या है अगर ऐसा ही होता एक पैर पे, पे खड़ा रहना ही तपस्या होता तो जितने एक पैर वाले लोग हैं वो बड़े तपस्वी हो गए होते अगर नहीं बोलना ही तपस्या होता तो जो गूंगे लोग हैं वो बड़े परम तपस्वी हो गए होते और भोजन नहीं करना ही तपस्या होता तो सड़क पे रहने वाले लोग स्लम में रहने वाले लोग भूखे मरने वाले लोग वो परम तपस्वी हो जाते लेकिन ऐसा नहीं होता तो वास्तव में तपस्या क्या है तो कहा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में विचारों को संतुलित रखना मन को संतुलित रखना यही तपस्या है इन एनी बैड कंडीशन एंड बैड सिचुएशन माइंड शुड काम मन संतुलित रहे शांत रहे हर परिस्थिति में यही तपस्या है अगर परिस्थिति अनुकूल है तो विपरीत परिस्थिति तपस्वी खोजता है घर में परिस्थितियां ठीक है तो जंगल जाता है कि परिस्थिति विपरीत हो जाए और हम अपने विचारों को नेगेटिव नहीं होने देंगे बिगड़ने नहीं देंगे तो सारा खेल कहां है भाग्य बदलता है जिससे वो तपस्या है और तपस्या का मूल विचारों का संतुलन है भाग्य का आधार हमारा चिंतन है गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षय हो मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है मन ही मनुष्य के उत्थान और पतन का कारण है मन ही मनुष्य के लाभ और हानि का कारण है तो मन क्या है तो विचारक लोग मनोवैज्ञानिक ऋषि मुनि यह कहते हैं माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स मन जो है विचारों का समूह है अर्थात विचार ही मनुष्य के उत्थान और पतन का कारण है विचार ही मनुष्य के स्वर्ग और नर्क का कारण है विचार ही मनुष्य के लाभ और हानि का कारण है और विचार ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है भाग्य का आधार कर्म है ऐसा माना जाता है अच्छे कर्म करिए अच्छा फल मिलेगा लेकिन क्या जानबूझ के भी हम अच्छे कर्म कर पाते हैं कई बार बुरे कर्म हो जाते हैं और हमें बुरे परिणाम झेलना पड़ता है तो भाग्य का आधार कर्म नहीं है कर्म का आधार क्या है यह देखना जरूरी है आंखें नहीं देखती कान नहीं सुनते हाथ काम नहीं करते तो कौन करता है जब आप कहीं बैठे होते हैं और लोग बातें करते हैं आपसे पूछा जाए कि आपने सुना तो आप कहते हैं हमारा ध्यान उधर नहीं था कान तो खुला हुआ था लेकिन ध्यान उधर नहीं था इसलिए नहीं सुन पाए सामने से कोई आपके गुजर जाता है और पूछा जाए कौन कौन यहां से गुजरा आप कहते हमने ध्यान नहीं दिया आंखें तो खुली हुई थी लेकिन देख नहीं पाए क्योंकि देखने वाला तंत्र कहीं और लगा हुआ है सुनने वाला तंत्र कहीं और लगा हुआ है वहां से जब तक निर्देश नहीं मिलता इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता कर्म हमारे चिंतन पर आधारित है हम जैसा सोचते हैं वैसा ही कर्म होता है और कर्मों का फल हम भोगते हैं और फिर बाद में कहते हैं कर्म बुरे हैं तो क्या कर सकते हैं बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा शुभ कर्मों का फल शुभ मिलेगा लेकिन कर्म बुरे और अच्छे बनते क्यों हैं हम एक गुलाम की तरह विवश होकर चलते चले जाते हैं और अनचाहे में भी बुरे कर्म हम करते हैं हम जानते हैं कि इन कर्मों का परिणाम बुरा निकलने वाला है लेकिन फिर भी उसे करते हैं तो कौन है बॉस कैसे ये कर्म हो रहे हैं तो गीता के इस वक्तव्य के हिसाब से कि चिंतन ही सुख दुख का कारण है चिंतन ही मनुष्य के व्यक्तित्व का आधार है चिंतन ही स्वर्ग और नरक का कारण है चिंतन ही लाभ और हानि का कारण है वास्तव में हमारा व्यक्तित्व क्या है हम जिसे अपनी पर्सनालिटी कहते हैं कि हम ऐसे ही है अच्छे हैं या बुरे हैं जैसे भी है ऐसे हैं हम वैसे नहीं हैं जिन लोगों के संपर्क में रहे और जैसा चिंतन हमें मिल गया तत्कालिक वही व्यक्तित्व तो हमारा दिखाई देता है अभी चिंतन बदलेगा अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे हमारा व्यक्तित्व तो बदल जाएगा इस दुनिया में ना कोई अच्छा है ना बुरा है जैसे संपर्क में विचारों के वो रहा वो वैसा हो गया स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि जैसा सोचोगे तुम तो वैसा ही हो जाओगे मिट्टी के लोंदे की कल्पना अपने लिए करके कभी तुम भीम से नहीं बन सकते अपने लिए जैसा सोचोगे तुम वैसे ही हो जाओगे और दुनिया में बड़े से बड़े लोग जिन्होंने सफलता हासिल की है उस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने वैसा सोचा है हमारी श्रद्धा हमारे प्रति जैसी होगी दुनिया हमें वैसे ही स्वीकार करेगी अगर हम अपने को छोटा गिरा हुआ दयनीय स्थिति में पाते हैं ये हमारी सोच है विश्वास और श्रद्धा जो दो चीजें हैं जिसके लिए भारतीय संस्कृति में तैतीस कोटि देवता भले ही है लेकिन मूल देवता शिव और पार्वती माने जाते हैं और कहा गया भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो कि हम भवानी और शंकर की उपासना श्रद्धा और विश्वास के रूप में करते हैं विश्वास क्या है हमारा लगाव अपने विचारों के प्रति जो लक्ष्य निर्धारित करके समर्पित है हमारे विचारों के प्रति जो समर्पण है उसे ही श्रद्धा कहते हैं और दृढ़ता जो है जो संकल्प है उसे ही विश्वास कहते हैं किसी लक्ष्य और किसी विचार को लेकर अगर हम समर्पित होते हैं कर्म करने के लिए उसे ही श्रद्धा कहा जाता है और निश्चय कर लेते हैं उसे ही विश्वास कहा जाता है कि हमारी विचारों के प्रति जो भावना है और दृढ़ निश्चयता है वही हमारा संकल्प है और वही विश्वास है विचार ही सब कुछ है ठाकुर रामकृष्ण परमश भी कहते थे कि आप जैसा सोचेंगे वैसे ही हो जाएंगे दुनिया वैसी हो जाएगी पंडित श्री राम शर्माचार्य कहते हैं जो जैसा सोचता है और वैसा ही करता है वैसा ही बन जाता है न केवल व्यक्ति बल्कि परिस्थितियां भी वैसी हो जाती है शेक्सपियर ने लिखा कि लोग हमारी सोच में शंका बहुत बड़ी बाधक है शंका की बहुत बड़ी अहमियत है जो नकारात्मक सोच है वो हमें अच्छा सोचने के लिए और अच्छा करने के लिए करने से हमेशा रोकती है और बहुत सारे लोग जिनके अंदर बड़ी बड़ी संभावनाएं होती है ऐसी शंकाओं के कारण ऐसी सोच के कारण जो हो सकते थे जिंदगी में कभी नहीं हो पाते और जॉर्ज बर्नाडसा ने लिखा एक जगह कि लोग हमेशा अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं और मैं परिस्थितियों में कभी भी विश्वास नहीं रखता क्योंकि सफल लोग वही हैं जिन्होंने निश्चय किया सोचा और उस पर कार्य किया सफलता हासिल किया है परिस्थितियां अपने आप में कुछ नहीं होती हमारे विचारों की परिणति है जैसा हमने सोचा है वैसा ही आकर्षित किया है सारी परिस्थितियां आज जो वर्तमान में दिखाई दे रही है हमारे मित्र हमारे रिश्तेदार हमारा बिजनेस हमारा सब कुछ हमारे सोच का ही प्रोजेक्शन है एडिशन यहां तक कि जितने भी वैज्ञानिक हुए उन्होंने इस सोच के खेल को बहुत अच्छी तरह समझा है एक बहुत बड़े जो अपने राष्ट्रपति हुए डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम उनकी जिंदगी की घटना आपको मैं सुना रहा हूं लोग सोचते हैं कि भाग्य हमारा बदलता नहीं किस्मत खराब है हम क्या करें यह तो भोगना ही पड़ता है जिंदगी मिल गई है कुछ लोग गरीबी की दुहाई देते हैं कि गरीबी में पैदा हो गए क्या कर सकते हैं परिस्थितियां साथ नहीं जिस फील्ड में जो है फिल्म के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र में पढ़ाई के क्षेत्र में राजनीति के क्षेत्र में असफलताओं के लिए हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं और कभी भी ध्यान नहीं देते कि बेसिक मिस्टेक कहां हो रहा है जहां से परिस्थितियों को निर्माण करने की जो जननी है हमारा विचार उस पर कभी ध्यान नहीं देते डॉक्टर ए जे अब्दुल कलाम बहुत बड़ी पर्सनालिटी हुए भारत के लिए और निर्विवाद भले ही एक संप्रदाय विशेष में पैदा हुए लेकिन सर्व धर्मों के लिए वो सर्वमान्य और योग्य इस देश के राष्ट्रपति रहे एक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक रहे पद्म भूषण पद्म विभूषण ये सारी पुरस्कार उनको मिले उनकी जीवनी जो उड़ान जैसी कुछ है एक उसमें जो YouTube पे भी उपलब्ध है उन्होंने अपने जीवन के बारे में बहुत सारी बातें उसमें बताई लेकिन एक जगह जाके हमें क्लिक किया जब उन्होंने लिखा कि मेरे जीवन में मैं सपने देखा करता था परवाज करने की आसमान में उड़ने की सपने देखा करता था और जब पढ़ाई पूरी हुई तो इंटरव्यू के लिए मैंने दो जगह एप्लीकेशन दिया एक दिल्ली और एक दूसरा देहरादून दिल्ली में डिफेंस के लिए था और देहरादून में एयरफोर्स के लिए था दिल्ली में गया बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा वहां से देहरादून चला गया और देहरादून ही के शब्द में आपको बयान कर रहा हूं देहरादून में 25 विद्यार्थियों में से मेरा नवा स्थान आया मेरा दिल बैठ गया मैं बहुत निराश हो गया और उस निराशा की स्थिति में ऋषिकेश पहुंच गया गंगा जी में स्नान किया पहाड़ी पे स्वामी शिवानंद जी का आश्रम था उन्होंने उनके बारे में वर्णन किया दुधिया कपड़ा पहने हुए गौतम बुद्ध की तरह दिखते थे और बच्चों जैसी मासूमियत बहुत प्रभावित कर रही थी मैं निराश होकर अपने जीवन की घटना बताने लगा कि मैं बचपन से सपने देखता था ख्वाब देखता था आसमान में परवाज करने की लेकिन मेरे सपने अधूरे रह गए स्वामी शिवानंद जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा पूरी जिंदगी को